जिस प्रकार से भोपालगढ़ की जनता को आप गुंजायमान कर देते हो, उसी प्रकार से आज बाईतों के अंदर अपना नंका छोड़िए भोपाल सिंह जी। भजन संध्या है, इन्हीं शुरुआत भी मंत्रोच्चारों करी और मने भी करनी जोईजे। बातरी शुरुआत श्री गणेश और सरस्वती माता रे चरणा में वंदन करता। व्रणा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम चकरतार वंदे वाणी विनायको ओम भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो याम्य विनाहीन पश्यन्ति सिदा स्वांता स्वामीश्वरम। और आदरी इन भजन संध्या ने महंत श्री 1008 ओकार भारती जी महाराज रे सानिध्य में और अपन बीच में और भी बहुत सारा संत पधारिया है, बारे में पंक्तियां चरण में अर्पित कर तो देखो। वंदे नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यामास्थिति वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते श्री सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। भजन संध्या रे मार्फत माने भी आऊनो अट मौको मिलियो, धन्यवाद देऊ मैं उम्मेदाराम जी बैनीवाल ने कि एक साथ है अथा इन भक्ति रे सागर में विराजमान आप जड़ा अनमोल हीरा रा एक साथ दर्शन करनो अवसर प्राप्त करायो, माने बहुत बहुत आभार आप रो। मैं मारी बातरी शुरुआत आगे और करूंगा, लेकिन उन्हों पहला मैं युवाओं रो ध्यान आकर्षित करना चाहूं। मैं आज जिन प्रकार अंग्रेज काल रे बाद में लोकतंत्र लागू हुआ रे बाद में भारत रे इन धर्म इन संस्कृति ने तोड़ने वास्ते जो को विदेशी ताकत इन देश में आ और कुछ अपाणी युवाओं ने मारे स्वयं रे युवाओं ने भारत रा युवाओं ने भारत री देश री जनता रे भारत रा लाला ने इन प्रकार गुमराह कर दिया कि बे आज इन देश री संस्कृति ने छोड़ और पाश्चात्य संस्कृति में डूब रिया है। आदरो युवा आदरो मनुष्य आप रे सनातन ने छोड़ और अनाई अनासाई पाश्चात्य धर्मारे माई विलुप्त बैर माई आशंका ढूंढे। कई लोग इन आधुनिकता रे नाम माते कि मैं पढ़िया लिखिया हाँ माने ज्ञान हो चुको है कि इन प्रकार रा सनातन धर्म और श्री राम कृष्ण तेजाजी बाबूजी ए केवल एक काल्पनिक कथावा है। मैं बहन विवाह युवाओं ने आह्वान करनी चाहूं क्या आपने जिन प्रकार कुछ मारा जड़ा युवा निजी स्वार्थ रे कारण वो काम विदेशी ताकत रे आत्मो आप रे हाथ में लेवे और इन समाज में फैलावे। मैं बहन लोगों ने पूछनी चाहूं और कहना चाहूं कि यदि केवल सनातन धर्म और यदि अवतारी और जो का ग्रंथ है यदि काल्पनिक वेता तो आप थोड़े दिन पहला देखियो चंद्रयान 3 जो को जिन टाइम रा वैज्ञानिक उड़ान भर दी अवस्था रे माया हाँ उन समय जा और तिरुपति बालाजी रे शीश नवा और पाछा और आराधना करी के अब की बार मारो चंद्रयान सुरक्षित पहुंचनो जोईजे। कई बैरू ज्यादा पढ़िया लिखिया हो एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जा ऑपरेशन थिएटर में गया पहला परमात्मा दुआ करे हे परमात्मा मैं मारी शिक्षा जो की अर्जित करी हूं इनू मरीज री दवा दे सकूं लेकिन आप री जड़ता ही दुआ नहीं वेला मारी मरीज ठीक को नहीं वेला। कई आप उन डॉक्टरों ज्यादा पढ़ लिखा हो आप इन संस्कृति ने इन सनातन री धरती ने इन सूरापुरारी धरती ने इन प्रकार तोल मोल में बांट लिया हो और इन प्रकार जातीय जहर आप रे माए घोल दियो। आज रे समय रे माए लोग सब ज्यादा अंगलिया हर मात उठावे के जातिवादी लोग है लेकिन बहने मैं पूछनी चाहूं और बहने मैं कहनी चाहूं और आप भी इन बात रो मनन और चिंतन कर जो और देश लोकतंत्री व्यवस्था हूं पहला आज अनादि काल रे माए आप लोगों ने भी काफी कम ध्यान वेला और कई लोग तो बिल्कुल ध्यान भी कौन देवे। आज अनादि काल हूं लोकतंत्र काल हूं पहला एक तेजो जी महाराज 1011वीं शताब्दी रिमाए एक गुजरी गायर वास्ता अपना प्राण त्याग देवे बीच में मुकला वो छोड़ दे कई जाति आड़े तो को नहीं आई।
उन्होंने लगातार अवतार रमाए तेरहवीं शताब्दी रमाए। बाबू जी महाराज एक चारणी ने दियोड़े वचन रह सारू तीजे फेरे रे मैं आप रो पल्लो काट दे आज भी मैं तीन फेरा बहरे ला रखा सात फेरा को निखावा। तो 200 वर्ष रे अंतराल रे मैं 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी रे मैं बापिनी क्षेत्र मांगलिया उठी मैं मेहो जी मांगलिया एक गुजरी धर्मेलारी पुष्करमा ते दिएड़े वचन रे पालन रे वास्ते उन गुजरी री गाया री रक्षा रे कारण अपना प्राण त्याग देवे काई उन ठेमरा बहन जाती आडे को नहीं आई। और आप एक गांव नहीं आप एक प्रत्येक गांव देख ले जो जो आप रे इन जाजवा गांव में जवाहर सिंह जी भूमिया जी महाराज है उन्हीं प्रकार आपने प्रत्येक गांव रे माए एक जुंजार एक भूमिया मिल जाए आपने। मिनखा उन आदि काल में भी जातिवाद को नहीं हो उन राजतंत्र में भी जातिवाद को नहीं हो जिन समय मेरवा मारवाड़ मेवाड़ लगातार 1400 वर्ष आता है लगातार भारी आक्रांताओं आक्रमण झेल झेल कमजोर वेगी और आखिर दिल्ली रो बादशाह मेवाड़ रा दरवाजा ले गो तो उठाई अलवर और भरतपुर साइड रो जाट महाराजा दिल्ली माते आक्रमण करो और आओ तो मेवाड़ रा दरवाजा ले नयो। बारे में मैं तो जातिवाद को नहीं देखियो आप पन्ना क्यों नहीं पढ़ो आप इतिहास रे माए गौर करो दुर्गादास जी ने जिन समय वनवास वे जिन टाइम रा देश निकालो वे देश निकालो देवनी टाइम यदि दुर्गादास राठौड़ रे कोई साथे जाऊंडियो है तो मांझलिया बलाई यानी मेघवाल भीरमलाई रो जाट एक चारण यानी बारड जी और एक पठान जाट रो जावे बे दूजोड़ा क्यों नहीं जावे कठे बैर जातिवाद आड़े आयो। आप देश आजाद री लड़ाई में जाओ राजतंत्र ने छोड़ प्रार भगत सिंह सुखदेव सुभाष चंद्र बोस बिस्मिल्ला खान सिंह तोमर आफ्ताब खान अतुला खान पंडित बिस्मिल्ला सिंह तोमर और अतुला खान अस्पाकुल्ला खान जिन समय पासी रमाते तैयार है तो अस्पाकुल्ला खान रे आंख में आंसू आया और बिस्मिल सिंह तोमर पूछियो देखो देसरा योद्धा किन प्रकार देसरी लड़ाई लड़ी पंडित बिस्मिल पंडित यानी ब्राह्मण बिस्मिल यानी मुसलमान सिंह तोमर यानी वे बिन प्रकार जाति में बांधी कि आप इन जातियों में मत बंटो एक हो जाओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भारत माता ने आजादी दिलाई दो आप रे नाम रहते सोच जोड़ दियो। जिन दिन अंग्रेज काल में मैंने फांसी भी उन दिन वो अस्पाकुल्ला खान आंख में आंसू काटियो और पाड़े वे पंडित जी बिस्मिल सिंह तोमर खड़ा वे पूछियो हे अस्पाक आज भारत माता रे कारण आप बलिदान दे उन्हें जारिया हा और थारे आंख में आंसू तो बो कहो मैंने आंख में आंसू इन बातरा को नहीं है कि मैंने फांसी लाग रही है मने आंसू इन बातरा है कि थारो जो को सनातन धर्म है उनमें और सिद्धांत है कि पूर्व जन्म और आगे जन्म हुआ करे तो इन जन्म में भारत माता री सेवा कर दी पुनर्जन्म गई और भारत माता रे वास्ते और बलिदान दे लेकिन मारे मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म रो सिद्धांत को नहीं इन वास्ते मैं माता री एक बारी सेवा कर पायो इन बातरा मारे आंख में आंसू आया। बताओ आप भारतीय आजादी की लड़ाई में कठे जातिवाद हो लेकिन लोकतंत्री व्यवस्था आया रे बाद में इन प्रकार और जाति रो जहर घुलियो है। मैं भी एक भोपालगढ़ विधानसभा में रहूं जट जाट बहुमूल्य समाज है बहुत अल्पसंख्या में मैं लोग हां और यूनिवर्सिटी भी देखी विद्यालय भी देखियो हॉस्पिटल री सेवा भी देखी इन लोकतंत्र में जिन प्रकार की सेवा हगड़े देखी हगड़े ही जातिवाद सर्वप्रिय है इन जातिवाद ने कुण फैलायो। आज मैं लोग कहवे कि यह जातिवाद लोग है निर्णय आपने करना है चिंतन आपने करना है राजतंत्र में जातिवाद कोनी हो देश री आजादी री लड़ाई में भी जातिवाद कोनी हो और इन 70-80 साल में जातिवाद लायो जातिवाद रो जहर कुण लायो इन बात रो आपने चिंतन करना है। आरएलपी आया ने 5 साल भी आए हनुमान नाया ने 10 साल भी आए भोम सिंह ने पैदा भी आने 5 साल भी आए उम्मीदाराम बेनीवाल नाया ने 5 साल भी आए लाडला 75 साल में जातिवाद कुण लायो इन बात रो आपने चिंतन करना है। और जाट राजपूत और दलित बेगवाल और हिंदू मुस्लिम कराऊ नाला इन 70-75 साल में देश री सत्ता माते जकारिया
ना सिस्टम खड़ो करियो है, ना कि कोई हनुमान बेनीवाल करियो है, ना कोई उमादे राम बेनीवाल करियो और ना कोई भूम सिंह राठौर पैदा करियो है। मैं अपने इन बात और थोड़ा उड़ दे, आप इतिहास ज्ञान पन्ना में जाओ, आपने कथई जातिवाद नजर नहीं आवे, और जातिवाद इन देश ने कमजोर करने वास्ते इन देश माते राज करने वाली जगह सत्ता रे माए नेता रिया बेने विदेशी ताकत फंडिक दियो पया दिया कहो करोड़पति बन जाओ और इन देश में बंटवारो करो। आप आराम बैठ दो भाई, मारा ही गिने थे हो बैर मेरा टोड़ा बे बाटी है बे, मैं वहां में फर्क ही तो ही जाएगा, मैं बेगा है कन पे थोड़ा मोड़ा आई। तो इन बातों आपने चिंतन करना है। मैं तो भोपालगढ़ रा लोग क्यों सर नागौर रे लागता रही जा, और जातिवाद रा मैं आपने और बताई दू, मैं भोपालगढ़ विधानसभा से अत्रु आऊं और आज इन्हें मैं आपने कारण भी बताई दू कि मैं भी पहला कटे इन आरएलपी रे उद्गव विया पहला, हनुमान जी रे इन कार्यकारिणी में आया पहला, मैं भी कोई इन कोई पार्टी में बिलोंग करता है। 2016 की बात है, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब पूरे राजस्थान में घोषणा करी कि जगह शहीद स्मारक हूं शहीद ना वंचित है बैरी मूर्तियां मैं देवा, बारो कार्यक्रम भोपालगढ़ रे माए मां सगड़े करायो, लेकिन उन बातों ज्ञान को नहीं हो कि भोपालगढ़ में कितना शहीद स्मारक बनना है। सिर्फ मारी इरादेसर ग्राम पंचायत रो मने ध्यान हो, एक 91 में शहीद श्री कवराराम जी गोदारा और 171 में शहीद श्री अर्जुन सिंह जी राठौर। उन टेमरा राज विजय पीरो मारे भोपालगढ़ रा मोटा नेता जाट समाज रा राज्यसभा रा सांसद और दलित समाज री बेटी मारे भोपालगढ़ रिजर्वेशन है उठू विधायक विजय पीरी फूल रे माते और राज्य सरकार में मंत्री मिनखा में फाइला ले ले भोपालगढ़ रो राजपूत रे नाते जा उतार के शहीद स्मारक बनाना है, तो भोपालगढ़ राजस्थानी नेता कहता कि जाओ रात ये कोर्ट में थारी सरकार पड़ी है माने क्यों तड़ो, रात ये कोर्ट में जाता जना कहता स्थानीय रखने जाओ मारे खाने टाइम को नहीं। और मिनखा आखिर बस शहीद री फाइला जिन टाइम रे गाड़ियों बारे फेंकी उन टाइम रे मैं बेना इन बेहतरों चैलेंज देने आयो कि यदि बूढ़िया कहवे आ धरती अपनी माता है और इन धरती रे वास्ते बलिदान देवनाला देवताओं रे समान है, यदि यह शहीद इन भारत माता रे वास्ते अपना प्राण दिया है तो आउनाला विगत चुनाव रे माए शहीदारी फाइला विधायक रे दरवाजे कोनी जावेला और विधायक स्वयं चलो और शहीद रे दरवाजे आवेला और 18 में फेर बदल करियो। मने गणी कहो तू राजपूत वेन बोतल में तो भाई कहीं भूडो कर दियो ठायो तो कोनी छोड़ियो नहीं, हिरदारो रे पहला बोतल लीजी बखोजने रमगाल लेता हमें बक है कोनी जने पानी राखो राखो तो बोतल ना ठरको तो बोरबो है कर ठरके में कोई कमी आई है तो बताओ मन, यानी मैं एक एक ने पॉजिटिव जवाब दिया। लोग कहो नई पार्टी है ठेका ही कर ले वो, मैं कहो मारो समाज हमेशा विपरीत हवा में आलियो, जिन समय देश रे माते राज हो पूरी रात भारत रे माते कांग्रेस रो उन टाइमरा मोराड़ा बोडिया जनता दल रो झंडो ले निकलिया उनका दौड़िया कौन दौड़िया, तो मैं बीजेपी रो राज हगड़े आएगो मैं धापका मैं आरएलपी नवी आएगी नो झंडो ले निकल गया। मैं तो समाज रे कहो देखो पद जी ना माते इस बेवा और मैं अपने इन बात रो यकीन दिलाऊं 2016 हनुमान जी बेनीवाल हूं जुड़िया 17-18 में पार्टी बनी मारी सीट आरक्षित थी जटे मारो मन हो उठे आरएलपी टिकट मिलियो और 2018 में आप रे तो मैदान घनी निवेदन करियो बाड़मेर रा मिनखा मजबूत हो बाड़मेर रा मिनखा मजबूत ही राख दो, लेकिन थे देखियो नैनो टाबरन कहीं मजबूत है री बातों करे कोई बोली बात करे, लेकिन मैं तो मारी जबान माते खरा रिया भोपालगढ़ रो पहले ही चुनाव रे माए विधायक पुक्ता जी गर्ग देव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक रे खाते में डाल दी और मिनखा कने भाड़ो लगा और भोपालगढ़ में आप भ्रमण कर ले जो जो दो शहीद स्मारक की लड़ाई ही और 18 रे बाद में विधायक बनाया बाद में भोपालगढ़ में 7 स्मारक बनाया मैं
शहीद री जाति को नहीं वे, लेकिन फिर भी थे जातिवाद में घना बंटियोड़ा। जन मैं आपने बताई दू भोपाल कर जड़ा विधानसभा क्षेत्र में सात मु तीन में शहीद है जो राजपूत घर में जन्म लियोड़ो, दो बे शहीद जो जाट घर में जन्म लियोड़ो, एक वो शहीद जो विष्णु घर में जन्म लियोड़ो और एक शहीद जो मेघवाड़ घर में जन्म लियोड़ो। सातरा सात स्मारक और पांच साल पूरा वेणा में तो तीन साल पहले ही फटकारो दे दियो। यदि आपने इन बावचूरी जनता रे माए और बावचूरी धरती रे माते शहीदारो सम्मान करनो वे, जातिवादों बारे निकलो और भाई तो विकास करनो वे, कोई राजपूत कोई मेघवाल कोई नाइक ने देख पर और विकास अवरुद्ध नहीं करे, समग्र विकास करानो वे तो भोपाल गडाली चाल आल जालो नियम का फोड़ा पड़ेला था मैं। अरे मोटोड़ा घर में गणों की को नहीं है, आवेला मोटी मोटी गाड़ियां ले परा और थाने है जो को बरगला ना पर कर परार थाई कोला वो नेतो तो टनको है इन सरकार में चले कंडी उन्हीं सरकार सरकार में ही चले ला थारी धरती माते गाड़ी उन्हीं को चले ला दिन दिन काम पड़ गो और अब की पड़ गई बेरे बंगला में जाओ ला जना मारे कड़िया कड़िया होना गिडक बांध दियोड़ा ला दे लार आगे लिखे रो आगे ला कुत्तर से सावधान कोई दन माय मिन ग्राई को नहीं। और मैं तो आपने इन बात को आश्वस्त करूं क्या जबकि बाई तुरी सीट है आपरी और उम्मीदा राम जी बेनीवाल ने इन बात रो भरोसो दे मारे और बेनीवाल साहब रे उमेद जी रे परिवार रा ट्रम्स है और आज हूं आज ताई उमेद जी मने एक अनुजता रो प्रेम दियो यानी छोटे भाई रो प्रेम तो आज मने जिन टाइम रा गिड़ा में आनो हो भूमिया जी महाराज राठ जागरण में तो मारो भी विचार हो कि कोई काफी लेर हाथ जाऊं गाड़ियां लेन जाऊं डीजे बजाऊं रागू मन ऊंचान लेन जावे और भूम सिंह करता नारा देवे। लेकिन मैं कहो पचे चुनावी माहौल है टाइम को नहीं है बोमा अपन गने उमेद जी अपना बड़ा भाई है और आज इन जागरण में जावे तो अपने पूरा परिणाम भी काट नाड़ो है। मिनखा में इन बाई तुरी गिड़ारी ताई बसरी यात्रा करी कई देर तक आप बस स्टैंड में खड़ो रही हो उन बाद में बस में बैठो और बस में गिड़ा आयो जीते मैं दस सीटा बदली कने आग लीर कने लार लीर कने पहला आड़ी गिड़ा स्टेशन माते उतनिया बचे आधो घंटो फिरियो और दस दुकान माते फिर ऊपर और मैं आप रे एक एक पाइरो एक एक बोट रो अनुमान कार्ड देना यू हर आदमी की जबान मत हो कि बाई तू अब की बार उमेदा राम बेनीवाल रे खाते में गिये आपने वो करो है लाली बार में आयो और आप मारी जबान माते खरा नहीं उतरिया तो अब की बार यदि कि नहीं दियोड़ो वह मूल तो फाचो ब्याज समय दिया करे अपनो बूढ़िया रो रिवाज है अब की बार आपने तय करना है जीत तो बाई तुरी जनतारी दे दी है लेकिन अंतर किता हजारों लाखों वो अब की बार आपने तय करना है। और अपन बीच में बाटी साहब आएगा दर्शन करने थोड़ा खेड़ का वेरी देना है मैंने और मैं अपने बात बताऊनी चाहूं अब आर थोड़ी हवाल कई जगह पे मोटोड़ा कांग्रेस बीजेपी का नेता है जगह के उमेद जिन चुनाव आयो वोट याद आया जागन याद आयो तो भी धन्यवाद है भाई मारे जड़ी बोतलाड़ी पार्टी बदनाम हुई और चुनाव रो प्रचार करे तो कमो कम सनातन संस्कृति जुड़ियोड़ी भजन संध्या तो करे है। अरे किया पिता थे भारत जोड़ो यात्रा काटी बीचे जन्मदिन आएगो जबको स्टेज माते मुन्नी बदना हमरा गाना लगा पर डांस करिया बस बहुत चुनाव प्रचार को नहीं कर हम ही बैठो बो वेरो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलो अले उन्हें मुन्नी होनी जा को नहीं
वो तालियां बजावन के देखो सिंगर ने कैसा बाना गाना बनाया मेरी मम्मी के लिए, मम्मी बदनाम हो गई, मम्मी बदनाम हो गई, वो यूं ही राजी है। और तुम्हें भारत की संस्कृति नहीं तो धजिया को नहीं उड़ाई, फिर देखो भारत जोड़नी या बात करो ते भारतरी मर्यादा भारतरी संस्कृति ने तोड़ और तार तार कर दिया हो। मैं चुनाव प्रचार भी करा तो भी सनातन संस्कृति आधार माते करा, मैं भूमिया जी रे नाव माते करा, मैं बेबेन वीरा ने याद करा जो कोई गाय धर्म और राष्ट्र कारण अपना प्राण दे दिया, इन बात बात में मारो चुनाव प्रणाम करा थारे भी तो सो आना खरा। तुम्हें जीने तुम्हें और इन बात रो धन्यवाद दू कि आप मजबूती चुनाव लड़ रही हो और इन चुनाव रे वास्ते लोगों ने भेड़ा करिया और माने भी बुलाया हो, लेकिन इन माध्यम भजन संध्या राखियो और उन्हों पहला आप जो को बाई तुर में आप रो सहयोग दियो वो भी अविश्वसनीय है, बहुत ही सराहनीय है। मैं आपने गारंटी रे साथ कह सकू जितो बाई तुरे मैं शिक्षा ने आगे बढ़ाउन वास्ते उम्मेद जी जो को खर्चो करियो है बीतो तो थारे एमएलए विदयी कोष शहीदी करियो है। अब आप अनुमान लगाओ जो को आदमी आप रे बड़बूते हूं शिक्षा रे माते तो पयो खर्च करियो, यानी इन आदमी रे हाथ में पावर आएगी और राजरी कलम आएगी तो इन बायतुरो विकास और बायतुरी शिक्षा में कितना चांद लगेगा, वो आपने इन बात में चिंतन करनो है। मैं थोड़ी बात में अमारो इन लोगों कोई पट्टा बेचना का कोई हियार दियालो पट्टो तो है को नहीं, जो दिया लिया फिर इनके वो पट्टो मारो है, इनो कोई पट्टो को नहीं है। और आपने यदि जातिवाद बारे निकल और समग्र विकास रे माते काम करना है तो पार्टी बाद ने आपने छोड़नी पड़ी और पार्टियां रे हारे रिया अपन बीच में युवाओं की दबंगवाज और मारा गिनाई थे भाई रविंद्र सिंह भाटी आप बहुत ही गर्मजोशी स्वागत तो हमारे बीच में रविंद्र सिंह जी काफी देर से जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पहुंच रहे हैं और उनका गर्म जोशी से स्वागत सत्कार और मंच की तरफ आ रही है वो, और जिनका इंतजार था वो दो बजे तक तकरीबन इंतजार किया यहाँ के लोगों ने वो समाप्त होने जा रहा है। और रविंद्र सिंह जी से पहले जिस वक्ता की मैं बात कर रहा था भूम सिंह जी तामड़िया जिन्होंने अपने शब्दों से हमें बताया लाभान्वित किया और इतनी तेज तर्रार आवाज से जिस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि भारत के 1947 से लगाकर के आज तक के सफर को हम सबके सामने बनाया उनका